उदयपुर शहर की सवीना थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए और लूट और अपहरण के मामले में 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के अनुसार सराड़ा थाना क्षेत्र के श्यामपुरा निवासी मुकेश कुमार मीणा ने पुलिस को बताया कि झाड़ूल निवासी भगवती लाल पटेल ने फोन करके उसे मेलड़ी माता मंदिर के पास बुलाया, जहां पर भगवती लाल के साथ कुछ अन्य युवक भी कार में पहुंचे और उसके साथ मारपीट करते हुए 35,000 रुपए छीन लिए और उसका अपहरण कर लिया गया, जिसके बाद सभी आरोपियों ने उसके साथ मारपीट करते हुए 35,000 और ऑनलाइन अपने खाते में डलवाकर 1,00,000 की मांग और करते हुए उसे पारस तिराहे पर छोड़कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम का गठन किया गया और तकनीकी आधार पर सवीना थाना पुलिस ने इस मामले में झाड़ोल निवासी भगवती लाल पटेल, सवीना निवासी परमजीत सिंह राठौड़ उर्फ बाली, शादाब शाह, खेरवाड़ा निवासी गुलशन डामोर, लोकेश मेघवाल को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में सवीना थानाधिकारी योगेंद्र व्यास, एएसआई जोरावर सिंह, हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर, कुलदीप सिंह, कांस्टेबल जितेंद्र दीक्षित, लालूराम, छगनलाल, राजकुमार, खरताराम, राजेश, कृष्ण कुमार, रमेश कुमार की विशेष भूमिका रही।